वेलकम बैक टू गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल, अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज। आज की वीडियो बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल पर्सन डॉक्टर मनीष तोमर, एमडी ऑफ बड़ौत मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वेलकम सर। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड यू गो इन टू मेडिसिन? एक्चुअली आई वॉज ब्रॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बिजनौर। It was my father's dream to become a doctor. After completing my 12th examination from Bijnor, I participated and in CPMT exam, and in first attempt I got selected and I joined SN Medical College Agra. From there I did MBBS and MS in General Surgery. It was my father's dream to become a surgeon and serve the people of our area. As I belong to my native villages, Kishanpur Baral, so I choose Baraut as my workplace. So you tell about that you cleared CPMT exam. So how was your experience about the exam? Actually, उस समय में जब मैं 1982 में जब मैंने सीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया था, तब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और देयर वर वेरी लिमिटेड सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। लकीली जस्ट आफ्टर पासिंग माय इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आई फर्स्टली व्हेन आई अटेम्प्टेड सीपीएमटी आई हैड नो आइडिया हाउ टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, बट आई वॉज लकी एनफ and I was having blessings of my teachers and my parents, so I got selected in the CPMT. Okay. So sir, my next question is, describe your experience and your skills about your field, medical field. यहाँ ब्रॉथ में जब MS करने के बाद में आया तो ब्रॉथ के अंदर चिकित्सा सुविधा बहुत प्रिमिटिव स्टेज में थी और हम बहुत बेसिक सुविधाओं के साथ ही मेडिकल चिकित्सा यहाँ पर करते थे। यहाँ के पब्लिक का सहयोग, उनका प्यार और उनका विश्वास जो मेरे ऊपर था, उसी ने मुझे इतना विश्वास मेरे अंदर पैदा किया कि मैं लगातार यहाँ पर अपने फील्ड में काम करता रहा। मैंने काफ़ी जटिल से जटिल ऑपरेशन भी किए हैं जो सफलतापूर्वक हुए, कुछ में कुछ कमियाँ भी रहीं, परंतु जो लोगों का विश्वास, यहाँ की जनता का जो विश्वास और प्यार मेरे साथ था, उसने मुझे ऐसा विश्वास दिला कि मैं आगे बढ़ता रहा। और मैंने यहाँ पे कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध की कराई और आज हमारा जो चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा की जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, हम उन सब का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं और इस जनता की, यहाँ की जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करने की कोशिश हमारी है जी। और यही मेरा एक्सपीरियंस है कि जीवन में मेडिकल फील्ड में स्पेशली बहुत कुछ करने को नया रहता है। हमेशा हम हर पेशेंट से कुछ नया सीखते हैं और हम नया एक्सपेरिमेंट भी होता है, उसमें कुछ लर्निंग भी होती है और आने वाले जो फ्यूचर में आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए कुछ नई गाइडलाइंस भी पैदा होती हैं। तो मेरा स्पेशली ये प्रयास रहा हमेशा कि मैं किसी भी डिफ़िकल्टी वाले ऑपरेशंस को या किसी भी डिफ़िकल्टी वाले पेशेंट्स को कोशिश करके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ दे पाऊँ, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। Now my next question is that can you tell me more specifically about his medical institution, hospital, campus and nursing college? Yeah, actually जब मैं MBBS मैंने आगरा से की और MS भी वहाँ से की, उसके बाद मेरे फादर का जैसी इच्छा थी, मैंने पहले ही बताया कि उनकी इच्छा थी कि अपने क्षेत्र में जाकर मैं यहाँ की जनता की सेवा करूँ, और मैं क्योंकि यहीं का रहने वाला हूँ किशनपुर बराल का, तो मैंने ब्रॉथ को, ये नियर बाई एरिया होने की वजह से बड़ौत को मैंने चूज़ किया। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि जो हमारे बच्चे हैं और यहाँ की जो जनता है, बहुत सीधी सिंपल हार्टेड और खुले दिल वाले बच्चे हैं, परंतु एजुकेशन में जो मेरे फादर ने पहले कभी बताया था कि यहाँ की बहुत अच्छी एजुकेशन रही है, जैसे मेरे फादर खुद यहाँ से, यहाँ जैन डिग्री कॉलेज से पढ़े हैं, यहाँ से BSc किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने MSc आगरा से किया, उसके बाद उन्होंने अपना सारी जो लाइफ जो है बिजनौर, वर्धमान डिग्री कॉलेज बिजनौर के अंदर केमिस्ट्री, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के रूप में उन्होंने व्यतीत की। तो उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे काम करूँ,
मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने जो एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा ह्रास देखा। उस समय जब मैं यहाँ पे आया था, अब से लगभग 27-28 साल पहले, तब भी एजुकेशन का स्तर जो है काफ़ी कम था। जो मैंने जब अपने घर पे डिस्कशन हमारा होता था इस बारे में, तो मैं बड़ा दुख होता था कि हमारे क्षेत्र में जो पहले कभी एजुकेशन सिटी के नाम से मशहूर था, बहुत देश विदेश से दूर दूर से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे, परंतु समय के साथ चिकित्सा की जो उपलब्धियाँ हैं यहाँ पर कम होती चली गई। तो हमारे मन में ये था कि किसी तरह से कुछ एजुकेशन में को बढ़ावा दें, इम्प्रूवमेंट कर सके। तो उसी के तहत हमने मेरे बाबा जी चौधरी केहर सिंह के नाम पर मैंने और फादर ने मिलकर एक ट्रस्ट का गठन किया, और चौधरी केहर सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से हमने एजुकेशन के फील्ड में कुछ कार्य करने का निश्चय किया, जिसमें हमने CBSE स्कूल चौधरी केहर सिंह दिव्या पब्लिक स्कूल की शुरुआत की। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, नर्सिंग कॉलेज, भगवती कॉलेज ऑफ फार्मेसी हाल फिलहाल में भी हमने शुरू किया है, और ये इस बात की एक जो समय की आवश्यकता है कि अच्छे जैसे मैं चिकित्सा क्षेत्र से रहा हूँ, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो मैंने यहाँ पे कमियाँ महसूस की कि हमें एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर थी, इसलिए मैंने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज खोले। आज भी पूरे विश्व में, स्पेशली भारत में और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा कमी है इनकी जी। तो आज अगर बच्चे इस एजुकेशन लेते हैं तो एक प्रोफेशनल कैरियर शुरू करने में उनको तुरंत मदद मिलती है, प्लस हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं उन सभी को एक्सपर्ट पैरामेडिकल स्टाफ मिलता है, जिससे कि हम एक क्वालिटी सर्विसेज मेडिकल के क्षेत्र में देने की हमारी क्षमता बढ़ती है। इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए चौधरी केहर सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना हमने 2008 में की थी जी। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को एक प्रोफेशनल्स के रूप में बाहर निकालकर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेज रहे हैं। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द अल्टीमेट गोल्स फॉर दिस मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड कैंपस एंड द हॉस्पिटल ऑल थिंग अराउंड दिस। देखिए, यहाँ पे जो हमने अभी जो जैसे मैंने बताया चौधरी केहर सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के अंडर में जितने भी हमने ये कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं, उन्हीं में एक अच्छी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए एक हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, जिसी के लिए हमने यहाँ पे इसी कैंपस के अंदर एक 120 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जो बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल के नाम से है, और पिछले 3 वर्ष से ये पूरा फुल्ली फंक्शनिंग है। अभी इसके अंदर सुपर स्पेशलिटी जैसे कि डायलिसिस, कार्डियक सर्जरीज एंड एंजियोप्लास्टी के लिए हम अभी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसमें जो हमारा कॉलेज से बच्चे निकलते हैं उससे पहले वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे से लें, और जिससे कि बाहर निकलकर जब वो क्षेत्र में प्रोफेशनल फील्ड में आए तो वो एक एक्सपर्ट के रूप में आए और वहाँ पे और क्षेत्र के लोगों की अच्छे से अच्छी सेवा कर सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि जो मेडिकल के क्षेत्र में हम अच्छी से अच्छी सुविधा पेशेंट्स का अच्छे से अच्छे से इलाज हो सके, और क्योंकि ये हॉस्पिटल और ये क्षेत्र जो हमारा जो कैंपस है ये बिल्कुल हमारे गांव के और बड़ौत शहर के डोर स्टेप पे ही है, तो सस्ती से सस्ती मेडिकल की सुविधा मिल जाए पेशेंट्स को, इसी के उद्देश्य से हमने इसकी स्थापना की। ओके सर, सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर डेली रूटीन अबाउट दिस वेरी बिजी शेड्यूल। हाँ, ये मतलब एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक ऐसा कहा गया है ना कि एक अच्छा दिमाग एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही होता है, तो शरीर को स्वस्थ रखना सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम होता है। और मतलब वैसे तो मेडिकल क्षेत्र जो है बीमारों का इलाज करने के लिए होता है, परंतु मेरी सब लोगों से अपील है कि शरीर बीमार होना ही नहीं चाहिए, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको व्यायाम डेली करना बहुत आवश्यक है। मेरा भी रूटीन यही है, मैं सुबह जल्दी सुबह उठ जाता हूँ और 1.5-2 घंटा कम से कम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करने में देता हूँ, जिसमें रनिंग थोड़ी एक्सरसाइजेज वगैरह शामिल होती है। उसके बाद हमारे परिसर में यहाँ पे मंदिर है, थोड़ी देर में समय निकाल कर मेडिटेशन के लिए वहाँ बैठता हूँ। उसके बाद अपना प्रोफेशनल जो कार्य है, कॉलेज का मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट प्लस हॉस्पिटल, उसके बाद 10:30-11 बजे से OPD शुरू हो जाती है हमारी, तो जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे से कंसल्टेशन करने के लिए आते हैं मैं उनको कंसल्टेशन देता हूँ।
उसके बाद जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन की आवश्यकता होती है उनको इवनिंग में और रात तक हम ऑपरेशन करते हैं, और कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी मैं इन सब चीज़ें फ्री होकर रात में अर्ली टू बेड जो है मैं जाता हूँ। यही एक रूटीन मैंने बनाने की कोशिश की है, और मेरी मैं ये चाहता हूँ बल्कि स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी भी है कि सभी लोग सुबह जल्दी उठें और जल्दी सोएं। ओके सर। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर पर्सनल लाइफ। डू यू एज अ डॉक्टर हैव एनी वीकनेस और स्ट्रेंथ? हाँ, यहाँ पे एज ए डॉक्टर जब मैंने यहाँ पे कार्य शुरू किया तो जो मैं पेशेंट्स के साथ मैंने मेरा अपने मन में पूरा और जज्बा था कि मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ जितना अधिक से अधिक मैं मुझे जानकारी है मैं पेशेंट्स का इलाज अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, उसके बदले में जो यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार दिया और जो मेरे पे विश्वास व्यक्त किया कि हर पेशेंट जो है जो भी मेरे पास आते हैं ऑपरेशन कराते हैं तो वो वैसे नहीं आते, पूरे विश्वास के साथ आते हैं, और उनका यही सबका मेरे जब मैं उनसे कुछ भी पूछता हूँ तो उनका यही कहना होता है कि जी कोई भी चाहे कितना भी कठिन से कठिन ऑपरेशन हो वो कहते हैं कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बाकी सब ईश्वर की इच्छा। और मैं भी ये मान के चलता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो मुझे नॉलेज है अपने नॉलेज में मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊँ, बाकी जो ईश्वर चाहता है होता तो वैसे ही है। तो इसी सब बातों ने जो है मुझे एक मजबूती प्रदान की और मैं जीवन में बहुत सारे मुश्किल केसों को मैंने बहुत सफलतापूर्वक अंजाम दिया और उनको ठीक करने में सफलता पाई। कई बार कुछ इमरजेंसी कैसे आते हैं जिसमें अचानक एकदम इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उनमें भी मैं पेशेंट को ठीक कर पाने में सफल हुए। कुछ जगह हालांकि असफलताएँ जरूर मिलती हैं, हर जगह आप सफल नहीं हो पाते, परंतु सफलता का रेशो अगर 90-95% तक रहता है आपका तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे यहाँ का जो क्षेत्र की जनता का प्यार नहीं मुझे स्ट्रेंथ प्रदान की और कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाया। So sir, my next question is about as a doctor, have you any preferences for our upcoming generation? Yes, आज जो आज का जो सिनेरियो है उसमें जो चिकित्सा क्षेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जो डॉक्टर्स के और पेशेंट्स के बीच की कड़ी होती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप और एक विश्वास वाली कड़ी होती है। इसमें बहुत पिछले 20-25 सालों के अंदर इसमें काफ़ी ह्रास देखने को मिला है। तो आज जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनसे मेरी यही अपील है कि इस कड़ी को मजबूत करें। जो डॉक्टर्स के और पेशेंट्स के बीच का जो एक विश्वास का रिश्ता है वो बना रहना चाहिए। वो आपके डॉक्टर्स के द्वारा करी गई मेहनत और जो पेशेंट्स के लिए के प्रति जो सेवा भावना है उसी से डेवलप हो सकता है। आजकल हमारे मैंने जैसे बताया कि ना जब मैं MBBS में गया था तो यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेज हुआ करते थे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हुआ करते थे, कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स होती थी या छोटे हॉस्पिटल होते थे। आज उनकी जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आज हाशिए पर होते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। आजकल जगह ले लिया कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए अस्पताल होते हैं जिनमें डॉक्टर काम करते हैं, तो जो उद्योगपति होते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बिजनेस। डॉक्टर वहाँ पे सेवा भावना रखना भी चाहता है और काम भी करना चाहता है तो मजबूर हो जाता है कहीं ना कहीं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। तो मेरी अपील सभी लोगों से ये है, अपने जो चिकित्सा क्षेत्र के मेरे कुलीग्स हैं, कि वो हमारी जो एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है उसको अच्छे से बना के रखें, और जो मेडिकल के क्षेत्र में जो भी हम काम करते हैं जो सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए वही रही हमारे अंदर रहे और उसी पे हम ध्यान दें। क्योंकि जो हालांकि जीविकोपार्जन के लिए पैसा भी आना जरूरी होता है परंतु पैसा तो आ ही जाता है जी। उसकी कमी नहीं होती डॉक्टर को, जो कमी कहीं रह जाती है वो है सेवा भाव की। सेवा भाव कमी ना हो तो उस पर अगर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो डॉक्टर पेशेंट उनकी रिलेशनशिप अच्छी होगी और जीवन में नाम कमाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो मेरी अपील यही है कि सबसे पहले जो प्राथमिक लक्ष्य है हमारा वो है पेशेंट की सेवा करना, उसी पर वो ध्यान दें तो जीवन में अवश्य सभी लोग सफल होंगे। Okay, thank you, sir. And my last question is that what is your planning about the future? देखिए, मैं ईश्वर में विश्वास रखकर ही कार्य करता हूँ। कभी जो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जैसे पहले मुझे चिकित्सा जो एजुकेशन में यहाँ पे मैं जो कमी नजर आई मैंने कोशिश की कि भाई CBSE स्कूल खोलूँ, पैरामेडिकल, नर्सिंग और जो फार्मा का कॉलेज खोलूँ। आगे इसी फील्ड में अगर कभी ऐसा लगता है किसी और फील्ड में भी यहाँ पे कि किसी और चीज़ की आवश्यकता है
और ईश्वर ने अगर मुझे सामर्थ्य दिया तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस कमी को पूरा करने में अपना पूरा तन मन धन से सहयोग करूँ और पूरा ध्यान से उस कार्य को करूँ। फिलहाल जो हमारा जो मेडिकल जो हमारा हॉस्पिटल है बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल, उसके अंदर डिफरेंट स्पेशलिटीज़ की जो सुविधाएँ हैं उनको डेवलप करने के मेरे प्रयास है और उम्मीद करता हूँ कि नियर फ्यूचर में हम यहाँ पर हमारे क्षेत्र की जनता को मेडिकल की सुविधा के लिए शायद दिल्ली और मेरठ नहीं भागना पड़ेगा और यहीं पे उनको घर के पास ही वो सारी सुविधाएं देने का जो मेरा प्रयास है मैं उनमें नियर फ्यूचर में जल्दी ही सफल हो जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही मेरा प्रयास है लगातार। ओके सर जी, थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन और थैंक यू। सो व्यूअर्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर लाइक एंड which type of treatment or disease this machine find out CT scan? जब मैं CT scan machine जो है ना आजकल जो X-ray के द्वारा नहीं कर पाते हैं देख पाते हैं कुछ लोग CT scan से देखते हैं। CT scan basically bones, muscles और जो soft tissues उनके अंदर जो भी बीमारियां हैं जो भी कमियां आ गई हैं उनको देखने के लिए होती है।
एक आधुनिक मशीन है और हमारी मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन है जो कि बहुत फाइन सेक्शंस के द्वारा छोटी से छोटी बीमारी को पकड़ने की क्षमता रखती है। इसके द्वारा हम किसी भी कैंसर के जैसे कैंसर का ट्यूमर है ब्रेन ट्यूमर से उनको बहुत छोटे छोटे स्टेज में ही अर्ली स्टेज में ही पकड़ने की कैपेसिटी रखती है मशीन। कंप्यूटर टोमोग्राफ Nowadays, our students are going for CHC, Community Health Center posting, and PHC also in government sector. Mm-hmm. With that, our hospital is also having clinical posting. So we have planned to implement this MSc Nursing plus A&M 50 seats. Now we are having only 20. So our goal is targeted, but it will take time. Okay, my next question is, what are the benefits students gain after If we are seeing in nursing section that the students are having government jobs, our maximum students are working in nice multi-specialty hospital in Delhi. As per UP registration is there with them, with that DNC they are asking, but still the students are changing their domicile and going to Delhi and permanently they are there. Many of students are selected in AIIMS also, Max, Apollo. Maybe you are knowing Vedanta. Yes, sir. And somehow in Ghaziabad there is nice hospitals and in Meerut also Anand and some hospitals are there. There they are working very nicely and they are gaining some nice report also as compared to other nursing students. What are the ultimate goals of this B Pharmacy Institute? B Pharmacy Institute has opened in 2019, and we have B Pharm courses which has intake of 60 students, and also we have diploma course which is a 2-year course. After doing diploma course, you can opt for opening of medical store, or you can go for hospital pharmacy job. And after completing both B Pharma course, which is a 4-year course. You can go in various fields, you can opt for higher studies like M.Pharm, and after that you can do PhD, or you can do you can go for jobs after B.Pharm like in industry, academics. Next question is that what are the benefits a student should take after taking admission in this institute? They know about the various aspects of pharma field, like we have made 4 fields in pharmacy. Pharmaceutics, which deals with the formulation department. We have pharmaceutical chemistry department, which deals with the detailed chemistry of drugs. And pharmacology, in pharmacology we study about the mechanism of action of drugs, how the drug acts in the body. And in pharmacognosy, we study about the plant-based product. Apart from these 4 branches, we also have other branches like quality assurance. In this, we assure the quality of products. In food industry. Food industry, pharmaceutical industry, analysis of drugs. Like we use various instruments, UV, IR, NMR, etc. Okay, thank you, ma'am.
आप श्री जितेंद्र सिंह हमारे चौथे ग्रेड से डिग्री पर स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप उनसे हेलो सर सर माय क्वेश्चंस आर व्हाट आर द अल्टीमेट गोल्स ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग एजुकेशन एक्चुअली गोल इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स तो फर्स्ट इज एकेडमिक एंड वन स्टेज परफॉर्मेंस एंड वन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस Our some students are playing in the national level also. Ashish from discus throw in athletic, and four students participate in UP basketball team under 14 boy, and shooting also. And some student got 97% in board exam. Srishti got 97%. And in two subjects, 100 out of 100 marks. One is English and Fine Art. And math also, she got 98 number. And in 10th class, once Tomar got 97% in 10th board exam. And in subject math, he got 100 out of 100. And same is some student got. Time-to-time the quiz competition also we have to participate and some sports like shooting and cricket. So sir, my next question is that what are the benefits students should take after taking admission in the school? Main motto is our overall development of the students. Like academic and sports, as well as sports. And some students got job in army and air force. And student playing basketball very good. So we want some student take admission here, so we can develop whole development. Overall development of the student. Is student take after taking admission in the school regarding sports area? Yeah, we have our Mr. Ashok Kowal he has our basketball coach जी. And बागपत में जो है अकेले ही ऐसे coach हैं जो कि एक NIS से भी ज़्यादा knowledge रखते हैं और इनकी guidance पर जो है near about सबका village से और हमारे school से near about 50 student जो है नेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं बास्केटबॉल में ओके सो सर टेल मी अबाउट बास्केटबॉल गेम समथिंग अबाउट बास्केटबॉल बास्केटबॉल गेम फिजिकली बच्चों के लिए सबसे अच्छा है इसमें सरकारी जॉब में हेल्प मिलती है अब तक मैंने जितने भी बच्चे खिलाए मैं सन 2010 से कोचिंग देनी स्टार्ट की थी अब तक 47 बच्चे सरकारी जॉब पर जा चुके हैं Thank you, sir.